मध्य प्रदेश के कटनी जिले के कलेक्टर अवि प्रसाद ने शहर की 19 पटाखा दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। इन दुकानों के मालिकों पर नियमों की अवहेलना करने का आरोप है। बता दें कि हरदा की पटाखा फैक्ट्री में हुई घटना के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को आदेश दिए हैं कि अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्रियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, जिसके तहत ये एक्शन लिया गया। कटनी से संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। जिले में समस्त विस्फोटक लाइसेंस धारियों की जांच चल रही है, जिसमें पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा स्थल निरीक्षण किया जा रहा है। इन्हीं जांचों के सिलसिले में 19 लाइसेंस धारियों द्वारा नियमों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन पाया गया और अंतरिम व्यवस्था के तहत इनके लाइसेंसों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। लाइसेंस धारियों को अवसर दिया गया है कि वो अपना पक्ष कलेक्टर न्यायालय में उपस्थित होकर रख सकते हैं और उनको सुनने के बाद इनके लाइसेंस को जारी रखने पर अंतिम निर्णय दिया जाएगा।